वन झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है तो दोस्तों आज है दो मार्च और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर छः बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक

तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा एक्स आई एस एस रांची कौन सा यहाँ पर बी स्कूल है एक्स आई एस एस रांची है जो कि क्रॉनिकल बी स्कूल सर्वे 2020 के अनुसार झारखंड के जो यहाँ पर है झारखंड का एकमात्र यहाँ पर बी स्कूल है जो सर्वश्रेष्ठ बीसवें रैंक पर स्थान पर आया है ऑप्शन तो नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज जो कि रांची में स्थित है उसी क्रॉनिकल बी स्कूल सर्वे 2020 के अनुसार यहां पर सर्वश्रेष्ठ बीसवा रैंक उसको दिया गया है बीसवा बी स्कूल है चलिए हाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची क्रॉनिकल बी सर्वे 2020 की हालिया रैंकिंग में एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ बी स्कूलों में साबित हुआ है बिजनेस एंड मैनेजमेंट क्रॉनिकल की ओर से जारी बी स्कूल दो में एक्स आई एस एस रांची देश भर के पचहत्तर प्रमुख बी स्कूलों में बीसवें स्थान पर है इसे ए ट्रिपल प्लस ग्रेडिंग दिया गया है ऑप्शन नंबर यहां पर जो होगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा एक्स आई एस एस रांची है जो कि झारखंड का एकमात्र बी स्कूल है जिसे बीसवा स्थान प्राप्त हुआ है यहाँ पर एक्स आई एस एस इंस्टीट्यूट आया है चलिए हम लोग इसके बारे में रांची तो में इसकी स्थापना की गई थी संत तो जेवियर जेवियर, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज भी इसकी स्थापना की गई थी वर्ष उन्नीस सौ पचपन में तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा बीसवा स्थान मिला है एक्स आई एस 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 को चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है एक्सप्री रांची को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में शीर्ष दस संस्थानों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर पर जो होगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है तो यहां पर एक्स आई एस एस रांची को यहां पर जो है वो अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में शीर्ष दस संस्थानों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची को क्रॉनिकल बी स्कूल सर्वे 2020 की रैंकिंग में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में शीर्ष दस संस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में एक्स आई एस एस रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर और अगला प्रश्न है झारखंड में किसे साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है झारखंड में किसे साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर यशोधरा राठौर कौन है डॉक्टर यशोधरा राठौर हैं जिन्हें साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापक व साहित्यकार डॉक्टर यशोधरा राठौर को दिल्ली में आयोजित अंतरानुशासनीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शनिवार को साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है उन्हें यह सम्मान विशिष्ट विधाओं में उनकी उपलब्धियों पर दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा ये साहित्य भूषण सम्मान किसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर यशोधरा राठौर को सम्मानित किया गया है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 की रिपोर्ट आई है तो इसमें रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है जो कि झारखंड राज्य की राजधानी है तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज राइट right आंसर हो जाएगा अंठानवा स्थान ठीक है अंठानवा स्थान जो है वो यहाँ पर रांची को प्राप्त हुआ है तो ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में पूरे देश भर में जहाँ रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है अंठानवा स्थान प्राप्त हुआ है फिफ्टी एथ रैंक रांची को मिला है तो चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा देश के 114 शहरों में हुए ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में रांची को अंठानवा स्थान मिला है देश के टॉप टेन शहरों में इंदौर मध्य प्रदेश पहले स्थान पर सलेम तमिलनाडु सलेम शहर है जो कि तमिलनाडु में है दूसरे स्थान पर है मदुरई जो कि तमिलनाडु में है वह तीसरे स्थान पर रहा है तो यहाँ पर झारखंड के राज्य की राजधानी रांची को कौन सा स्थान मिला है फिफ्टी एट रैंक यहाँ पर मिला है झारखंड की राज्य राजधानी रांची को इज़ ऑफ लिविंग सर्वे दो की रिपोर्ट में चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में धनबाद शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में धनबाद शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा चौवनवा स्थान प्राप्त हुआ है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है स्थान प्राप्त प्राप्त हुआ है, 54th प्राप्त हुआ है है रैंक धनबाद सिटी को तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में धनबाद शहर को कौन सा स्थान फिफ्टी फोर्थ रैंक यहाँ पर प्राप्त हुआ चौवनवा स्थान प्राप्त हुआ है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं झारखंड के धनबाद शहर को ईज ऑफ लिविंग सर्वे में उन्नीस चौवनवा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में झारखंड राज्य को पूरे झारखंड राज्य को पूरे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं राज्य है भारत देश के उनमें से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा right पूरे देश भर में झारखंड राज्य को तेरहवां स्थान प्राप्त हुआ है ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के रिपोर्ट में तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा ईज ऑफ लिविंग सर्वे में 2019 की रिपोर्ट आई है जिसमें कि झारखंड को तेरहवां स्थान प्राप्त हुआ है चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं तो केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर कुल 36 राज्यों में ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में झारखंड तेरहवें स्थान पर रहा है पहले स्थान पर तमिलनाडु राज्य दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तेरहवा स्थान प्राप्त हुआ है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न है आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर झारखंड के किस महिला का चयन राज्यसभा में संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में हुआ है तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही है, इसका आंसर कमेंट किया था और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा प्रिया मरांडी का किनका प्रिया मरांडी का चयन हुआ है राज्यसभा में संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं विभिन्न भाषाओं में सांसदों को मदद करने के लिए सिविल सोसाइटी के 32 भाषा विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा रही है की गई है उनमें से एक झारखंड की प्रिया मरांडी की भी नियुक्ति की गई है इन्हें संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में चयन किया गया है प्रिया मरांडी झारखंड के किस ज़िले की रहने वाली है साहेबगंज ज़िले की रहने वाली है तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा किनका चयन किया गया है प्रिया मरांडी का चयन किया गया है संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे है आम बजट दो हजार में झारखंड में निम्न में किसे किसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है आम बजट दो हजार जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें से झारखंड के स्थाय यहाँ पर निम्न में से किसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आदिवासी पुस्तकालय आदिवासी विश्वविद्यालय आदिवासी संग्रहालय या फिर आदिवासी संस्कृति भवन तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि अन्य लोग भी यहां पर जुड़ सके और यहां पर महत्वपूर्ण झारखंड के करंट अफेयर क्वेश्चन देख सके